आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और साथ में उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो, उस टाइप का कंपाउंड्स को आइसोमर कहेंगे और वो आइसोमेरिज्म शो करेगा। आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वैसा कंपाउंड्स जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, और डिफरेंट स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, उस टाइप का कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार टाइप का होता है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म। सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन जब हम उसको वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो वो डिफरेंट आयंस देगा। एग्जांपल ले लेते हैं, CONH3O5iSO4 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। इसका दो स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स, बट ये दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। जब ये दोनों कंपाउंड्स को हम इंडिविजुअली वाटर के साथ डिसॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में जो हमारा काउंटर आयन है वो सल्फेट है और इसमें हमारा आयोडाइड। तो इस एग्जांपल से हम लोग को यहाँ क्लियर हो रहा है कि दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जब हम लोग वाटर के साथ इसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग आयन दे रहा है। दूसरा, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर डिफरेंट अमाउंट में हो। एग्जांपल ले रहे हैं, CrCl3.6H2O, इसको थ्री फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, CrH2O6(Cl3). यहाँ पर जो H2O है वो लिगेंड के जैसा वर्क कर रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CrH2O5Cl(Cl2.H2O), यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का पांच मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। वैसे यहाँ थर्ड केस में ब्रैकेट के अंदर या बोलूँ तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चार वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। थर्ड, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, वैसा कंपाउंड जिसका केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा? यहाँ पर केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हुए तो यहाँ पे लिगेंड के पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। फोर्थ, लिंकेज आइसोमेरिज्म, इस टाइप का आइसोमेरिज्म उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में शो करता है जो कि एम्बिडेंट लिगेंड कंटेंट करता है। एम्बिडेंट लिगेंड जैसे NO2-SCN-CN-SO2O3-2-NCO। एम्बिडेंट लिगेंड उसको कहते हैं जिसमें दो डोनर एटम होता है लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर साइड काम करता है और वो डोनर साइड डायरेक्टली सेंट्रल एटम से लिंक करता है। एग्जांपल, CONH3O5CL2, यहाँ पर सेंट्रल एटम के साथ नाइट्रोजन कनेक्टेड है और यहाँ सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है।